ग्राउंड देखो मैडम, मुझे कम से कम 5 महीने का किराया रुक गया मेरा, और 2 लाख रुपए कर्जा हो गया 2 साल के अंदर अंदर। मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूल में करते हैं मेरे पढ़ाई बच्चे, लेकिन बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ मैं, फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। मतलब आपका आप मेरा सोच का काम लिया होगा आपने, लोन लिया, लोन भी नहीं मिला, 1 रुपए का लोन नहीं मिला मुझे। क्या चीज अब जैसा तुम जैसे से ले लिया, भाई से ले लिया, जानने वाले से 10-10-15। लगी तो आप लोगों ने कर्जा नहीं था मैम, कोई कर्जा नहीं था मेरे पे। नहीं, जब थैली पटरी लगाने ही नहीं दी सरकार ने, तब लिया होगा ना आपने कर्जा। जब लिया कर्जा लिया, अब वो कर्जा चुक नहीं पा रहा क्योंकि अभी तक परेशान कर रहे हैं कर्जे वाले आके, भाई मुझे पैसे दे मेरे। मकान बना लिया पैसे, लेकिन उन्होंने ब्याज 1 रुपए का नहीं मांग रहे, भाई मेरा मूल दे दे भाई। अब कहाँ से दे देंगे पैसे, वो मकान किराया रुक गया 5 महीने का। बहुत समस्याएं, बहुत ज्यादा, और बच्चे छोटे-छोटे, मेरे बच्चे काफी छोटे-छोटे बच्चे। मैंने मकान पहले प्लाट लिया, उसके बाद मैंने कहा बाजार तो खुलते ही रहेंगे, प्लाट मैंने 20 लाख का लिया, उसके बाद मैंने बनवाया, 20 लाख बनाने में ले दिए, तो मैंने कुछ पैसे 15-16 लाख रुपए कर्जे से लेके लगा दिए। मैंने कहा मेरी कमेटियाँ चल रही हैं, मेरा काम ठीक ठाक सा है और मैं कर्जा उतार दूंगा। वो पैसा होता होता दूना पैसा 15-16 लाख का दूना पैसा हो गया। अब क्या मैं मकान का कदा पूरा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब वो लोग कह रहे हैं मेरा पैसे का पैसे ही दे दे, कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको कहाँ से दे दूँ? मैं कहता हूँ भैया मेरा मकान तुम ले लो कि तुम ले लो, किस किस को मकान दूँ? 3-4 लोगों को मैंने कर्जे लिया है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा मकान आप ही ले लो क्या? अब मैं क्या करूँगा? ये मेरे बच्चे, मेरे पिताजी बीमार थे, एक्सपायर हो गए, इलाज कराया, सारा कराया उनका मैंने, सब कराया, बच्चे मेरे 3 हैं, 3 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। अब मेरा सारा खर्चा है, मैं क्या से क्या करूँ? हाथ में हाथ रख के 2 साल से बैठा हूँ, 1 पैसे का मुझे लाभ नहीं है। अब मैं क्या किसी को सपोर्ट करूंगा? किसी को कोई भी आ जाए, हम किसी को वोट नहीं देंगे। जितने मेरे भाईचारे 27-27 लाख आदमी हैं, हम किसी को समर्थन में 1 वोट किसी को नहीं देंगे। क्योंकि अगर, अगर अगर नेता लोग आए तो क्या, तो हम उनको तब तो कह दोगे कोई बात नहीं, हमारे साथ तुम नहीं खड़े हुए तो हमारे साथ क्या करोगे? हमारे हमदर्दी में तुमने नहीं जताई, हमारे कहेंगे हम कर देंगे आपकी मांगे तो पूरी, आप क्या कर दोगे? हमारी जब भूखे नंगे थे तो तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के कपड़े हैं, लत्ते हैं, पढ़ाई लिखाई है, कॉपी किताबें हैं, बीमारी का पैसा कहाँ से क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पियेंगे? 5 किलो गेहूँ 1 किलो चावल से क्या हमारा पेट भर जाएगा या हमारा कुछ हो जाएगा? मैडम कुछ नहीं हो सकता इससे, और ना हम इससे कुछ पेट भर सकते हैं। हमारे दुनिया के खर्चे हैं, लेना है देना है, किसी का कुछ करना है तो क्या करेंगे हम? हमारे लिए सब बहुत कुछ आगे देखना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, शादियों के बारे में, या कुछ करने का भविष्य 2 साल में। ये बताइए, आप लोग तो बाहर काम कर रहे हैं, घर में जब जाते होंगे तो वाइफ से जब सामना होता होगा या बच्चों से सामना होता होगा तो क्या कैसा उस समय क्या फील होता है? की तरह जो फीलिंग थी एकदम खुशी खुशहाल थी, वो बच्चे देख के एकदम खुश हो जाते थे। हमारे पापा हमारे लिए कोई फ्रूट ला रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, बच्चे खुश खुश नजर आते थे। अब सारे घर में मुरझाए रहते हैं क्योंकि वो पहले जैसी शोभा है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले जैसी शोभा है ही नहीं हमारे घर के अंदर। हम जाते हैं अपनी बीवी के सामने नहीं बैठ जाते हैं, पहले हमारी बीवी खुशी खुशी से हाल सब चीज देती थी, पानी चाय वगैरह। अब क्या देखती है? 2 पैसे का है ही नहीं, तो अब वो मुंह समेट के और बैठ जाती है, मुंह समेट के बैठ जाती है। बीवी भी साथ नहीं दे रही, अब कोई साथ नहीं दे रहा। हमारे बच्चे मुंह फोड़ के बैठ जाते, कहते हैं कुछ है ही नहीं तो क्या करें। बच्चे तो वो सदे हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो थोड़ा समझदारी भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज हमारे पापा पे गरीबी है कल नहीं रहेगी। बच्चे जिस पे कपड़े नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, बच्चे सोच सोच के रह जाते पापा हमें ये चाहिए। मैंने कहा बेटा अभी रुक जाओ, बाजार खुल जाएंगे, जब हम 2 पैसे का लाभ मिलेगा तब हमें तुम्हें एक के बदले 2-2, 3-3 कर देंगे। बेटा रुक जाओ, सरकार आपको अब क्या करें? हम तो बच्चों को समझाते समझाते परेशान है, हमें भी कोई समझाने वाला मिले या कोई देने वाला मिले। चलो टेम्पू वालों को, इनको सबको 5-5 हज़ार रुपये केसरीवाल ने हर महीने दे दिया, क्या हमारे लिए क्या कर दिया या हमारे बच्चों के लिए क्या कर दिया? जो हम उस आदमी की सपोर्ट करेंगे, हम तो किसी की भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई हमारी नहीं सुन रहा तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। 27 लाख आदमी है, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना किसी का कोई हम मतलब रखेंगे। जब हमारे साथ ये बर्ताव हो रहे हैं या हमारे साथ ये ताल्लुकात हो रहे हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ेंगे? हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और ना किसी की हम सुनेंगे। सबक सिखाएंगे हम तो सबको, सिखाएंगे समय MCD का चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, हम सब नेताओं से कहेंगे क्या तुमने हमारा साथ दिया या तुमने क्या हमें वक्त पे जब साथ नहीं, जब हमने तुम्हारे बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया, हम गिर गए थे, जब हम गिर गए थे तब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम अब तुम्हारी क्या सुनेंगे? 27 लोग आदमी है, हम 27 लोग भी हम सब घर परिवार के एक जॉइंट है, एक भाई है, एक खून है, एक पसीना है हमारा। क्या बेचारे हम भूखे हैं? क्या ये सब भूखे नहीं है? हमारे लिए तो सब समाज एक तार है,
और सारी एकता एकता है। जितनी रेहड़ी पटरी वाले हैं सब हमारे साथ हैं। हमारा इस समय हमने चलो कई रेहड़ी लगा लेते हैं, तो जैसे पुलिस वाले आते हैं जैसे चोरों कैसे हमारे साथ बर्ताव करते हैं कि हम चोरी का सामान खरीद के लेके आते हैं। चोरों को तो पकड़ते नहीं होंगे जो चैन खींच के ले जाते हैं। चोरों को कोई पकड़ने को राजी नहीं होता, चोरों को स्मैकियों को उनको कोई पकड़ने को राजी नहीं होता। हमारे तराजू छीन छीन के ले जाते हैं, हम ताने को छुटाने जाते हैं, हम तारू छीन हमारे तराजू छीन छीन के ले जाते हैं। जब छुटाने जाते हैं तो कहते हैं हम ये फार्म भरो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाने अंदर कमरे में ले जाके 1000 रुपए मांगते हैं। तराजू की कीमत 700-1000 मांगते हैं आप लोग, घूस मांगते हैं। तो हम सोचते हैं 1400-1500 के बट्टे और तराजू में हमारे चलो इसको 700-800 रुपए हम दे देते हैं, तो हम अपने पेट के खातर उनको मजबूरी में आप अपने मतलब कि आपका कम से कम आपका जो रोजगार है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं जिससे आप कमा रहे हैं उसको बचाव करने के लिए आप उनको घूस भी दे दें। घूस देनी पड़ती है, क्या करें, तराजू लेके आना पड़ेगा, बट्टे लेके आने पड़ेंगे, या कोई हमारा सामान इत्यादि गाड़ी में डेल डाल के ले जाते हैं उसको लेके आते हैं, तो हम तो देने पड़ते हैं मजबूर हो गए, क्या करें, परेशानी बहुत। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है और एक तरफ इस तरीके से खुद ही इस तरीके से सारे गुमराह कर रहे हैं, मतलब विभाग में इस तरीके का कार्य सारे ये काम कर रखे हैं। अभी क्या होता है, हम तराजू जब लेने जाते हैं तो कहते हैं एक चिट लेके आओ, चिट लेने के लिए जाते हैं तो चिट हमें नहीं मिलती है, तो कहते हैं चिट 250 रुपये की आती है, चिट हमें 250 रुपये की दो। और मेरे रोहिणी के बाजारों में मेरे भाई प्रदीप प्रवीण ने बहुत कुछ लोगों को सहारा दिया, ताकि अपने पास से पैसे भी दिए, सब कुछ करा, गरीब आदमियों का मसीहा बना और सबके साथ आके उसने सारी सबको सहयोग जमाया। कौन है ये? रोहिणी सेक्टर 11 के बाजार है। कौन है ये? मेरा भाई प्रवीण है, मेरे बाजार का प्रधान है। तो उसने हाँ तो उसने मेरे साथ आ करके उसने इतने अच्छे सलूकार सबके साथ में करे, किसी को आटा दिया, किसी को चावल दिलाए, किसी को जितना सस्ता उतना कराया, और बेचारा सबको रेहड़ियाँ इकट्ठी करता था। उसके साथ आ करके गलत व्यवहार उसको उठा उठा के ले जाते थे, कहीं कुछ करते साथ उसके, तो वो कहता मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो गरीब आदमी के साथ कर रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है? इसका मतलब हम किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को भी वोट नहीं। फिल्म का सीन नहीं हो गया, जो अच्छाई का सीन हो गया, जो अच्छाई करता है उसी को गुंडे मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं उसके साथ? अच्छा क्यों नहीं करते अच्छे के साथ? ये सोच रहा है कि हम नहीं कर सकते, मेरा भाई तो अच्छा कर रहा है मेरे साथ, इसको कुछ सपोर्ट दें, इसको कुछ समझाएं, इसको कुछ पैसे दें, ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा, आप लोगों ने क्या समझ के मुख्यमंत्री जी को वोट दिया था? हमने तो इसलिए समझ के दिया था हमारी रेहड़ी पटरी चलती रहेंगी, हमारा अगर बीमारी आ भी गई, कोरोना आ भी गया, तो 2 साल तक हम अपने इसका प्रयोग करेंगे, सारा सब काम करेंगे, अपनी रेहड़ी पटरी लगाएंगे, मॉल स्पा वगैरह सारे सब कुछ खोल दिए। हमें क्यों नहीं ये खोलना है? हम किससे क्या कर रहे हैं जो हमें नहीं खोला जा रहा है और हमें बांध के रखा हुआ है? हमारे बच्चों की सारी परेशानियाँ हल नहीं सुन रहे हैं, हमें क्यों नहीं ये बाजार लगाने दे रहे? हमें अभी तो बाजार लगाने दें, इतने बड़े बड़े सारे मॉल खोल दिए, सारी दुकानें खोल दी, सारे सब कुछ खोल दिया, हमें ही कौन सी बीमारी घुसी पड़ी है जो सारे हमारे नहीं खोल रहे? बड़े बड़े लोगों के पेट बड़े करने जा रहे हैं, जिसकी मॉलों के अंदर दुकानें, वहाँ देखो रेडियो लाइन लगी रहती है फ्रूट वालों की, सब्जी वालों की, कपड़े वालों की। क्या हमारे पेट नहीं है? क्या उन सब लोगों के ही पेट है जो हमारे गरीब आदमियों की नहीं सुनी जा रही है, उन लोगों की सारी बातें सुनी जा रही हैं? क्या हम भी तो बैठे हैं इसीलिए ही है? कुछ कोई भी चीज़ है, हम एक के दो लेना चाहते हैं तो हम भी तो दे सकते हैं, कमाएंगे तो एक के दो हम भी देंगे, और हमारे लिए भी सारा प्रयोग सारा सब चीज़ होने चाहिए। क्या हम नहीं दे सकते? हमारे यहाँ MCD की पर्ची 10 रुपये की देते हो, 20 रुपये की कर दो, कोई चीज़ है 10 का देते हो 20 का कर दो, क्या हम उस चीज़ को प्रदर्शन नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं जो मॉल वाले कर रहे हैं, एक के 10 की गुना आइटम ले रहे हैं, जो अनार 100 रुपये किलो मिलता है 300 रुपये किलो अनार बिक रहा है, वो लाइन से दिए जा रहे हैं, और हम 80 रुपये किलो अनार बेच रहे हैं, तो क्या हमें क्या क्या लोभ लालच है? वही चीज़ वहाँ मॉल के अंदर बिक रही है वही हम दे रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए सारा सब कुछ कर रहे हैं, क्या हमारे लिए नहीं कर सकते? क्या ये हमारे लिए भी तो सब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम भी तो बैठे हुए हैं, हम भी तो सारा सब प्रयोग कर रहे हैं, हमारे का पेट नहीं है? हम अगर रेहड़ी पटरी वाले हैं क्या हमारी वैल्यू ही खत्म हो गई? क्या हम वोट की गिनती में नहीं है? क्या वही क्या पता आप लोग, जैसे कि अब तो कोरोना का हवाला दे दिया गया है कि कोरोना, कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ वो चाह रहे हो वो लोग आप लोग वो चीज़ कर ना रहे हो? मैडम हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना कर रहे हैं। ऐसे फ्री फंड में थोड़ी ना बाजार लगाने देंगे, क्या लेंगे वोट लेंगे, क्या लेंगे फिर? तो आगे तो भीख मांगने हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे, हाथ फैला के हमें वोट दे दो। हमारे 27 लोग हमारे साथ हैं, हम किसी को भी नहीं हम एक पैसा नहीं देंगे। हमारे 2700 तो हमारे बाजार लग रहे हैं और 2700 लोग हो गए, हम किसी को वोट देंगे? हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ दुख दर्द में शामिल नहीं हो हम, आपके लिए क्या जाने, या हमारे दर्द में शामिल होते, हमें दवा देते, गोली देते, हमारी सपोर्ट करते, हमें उठा के बिठालते, तो हम आपको जानते कि हमारे इन भाई साहब ने हमारे लिए साथ दिया है, हम क्या उनके साथ को समझेंगे? हम कभी नहीं समझेंगे उनके साथ के लिए, तो ना उनके साथ के लिए जानेंगे हम क्या समझेंगे?
मोदी जी ने मुझे लोन दिया 10,000 रुपये का। मैं, मेरी बहन एक विधवा है, छोटे छोटे मेरे बच्चे नाती हैं, मैं कहाँ से भरूँगा पैसे? मैं बैंक वाले तंग कर रहे हैं, लोन भरो नहीं तुम्हारा उठा के अंदर बंद करेंगे। आप रेडी पटरी लगा? हाँ, रेडी पटरी वाला हूँ मैं, जमुना पार से 27,000 लगाता हूँ। इतने साल भैया हो गए, 42 साल हो गए पटरी लगाते को, इंदिरा के टाइम भी पटरी लगाता हूँ, मेरी उम्र ही बीत गई आती। केजरीवाल जी ने तो कहा था लोन, केजरीवाल ने एक बार नहीं सुनी हमारी। ऑटो वालों को 5,000-5,000 रुपये दिए, बैटरी रिक्शा वाले को 5,000-5,000 दिए, हमारे इधर कुछ भी नहीं है। मेरा मकान किराए का है, मेरी बहन लेती मेरे पास, छोटे बच्चे कहाँ ले जाऊँ उनको, खेल करा दूँ बच्चों को, जिनको मार दूँ मैं, मेरी भी कुछ सुनो, मैं कैसा आदमी हूँ, कैसा कमा रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने ये भी कहा था कि बिजली का और पानी का पैसा नहीं लिया जाएगा, 200 यूनिट किरायेदारों को फ्री दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा मकान मालिक किरायेदारों को 200 यूनिट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। और केजरीवाल ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और अक्सर बाजार वालों पे लाठी चार्ज करती है पुलिस। बाजार वाले की गलती इतनी है कि वो बाजार लगाने जाते हैं, आमदनी करके लाते हैं, तो घर का खर्चा चलाने के लिए आमदनी करने जाते हैं, उसके लिए उन पर लाठी चार्ज करती है जी। हाँ हाँ, हमको ये अपराधी नहीं है, हमको जेब कतरे नहीं है, फिर भी हम पे लाठी बरसती है जी। हमें कई बार SHO ने भी मारा है, गाली भी दी है। मैंने मेरी लड़की जो है BA कर रही है, और उस टाइम एग्जाम का पैसा देना था, और SHO साहब ने मेरी स्कूटी की चाबी ले ली, माल भी ले गया, बेइज्जती भी करी वो SI ने, और क्या भाई अभी तो कोई एग्जाम का फीस नहीं दे रहा, एग्जाम का कोई फीस नहीं लग रहा। मैंने किस कर एग्जाम के फीस जा रहे हैं, आप कैसे कह रहे नहीं जा रहे हैं? पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, लॉकडाउन के बाद की बात, उस समय भी बड़ा पंगा हुआ था बाजार के लिए।